नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ मेट्रोलॉजी से रिलेटेड लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज के क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग नट इन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, उसके अंदर जो एडजस्टिंग नट लगा रहता है, उसका क्या पर्पज होता है? इसका पर्पज होता है टू कंपेंसेट फॉर वियर बिटवीन स्क्रू एंड नट। जो स्क्रू और नट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वियर आउट होता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एडजस्टिंग नट है उसको लगाते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पर मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर। एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें 25 डिवीजन है। किस पे? वर्नियर स्केल पर। और कितने हैं? विथ 24 डिवीजन ऑन मेन स्केल। और जो मेन स्केल, उस पे कितनी डिवीजन है? 24। आगे पूछा, इफ वन मेन स्केल डिवीजन, जो वन मेन स्केल डिवीजन है, उसका जो गैप कितने का? 0.5 mm का। आगे पूछा, द कैलिपर विल हैव अ लीस्ट काउंट। तो कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होगा? तो इसकी आपने कैलकुलेशन पढ़ी होगी, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02। इसका भी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। इन चारों में से हमें बताना कि माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्पिंडल भी माइक्रोमीटर का पार्ट होता है, एनविल भी होता है और स्लिप भी होता है, लेकिन बीम माइक्रोमीटर का पार्ट नहीं होता। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच कंपोनेंट सर्व्स टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म प्रेशर इन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसके अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर को क्या करता है? बना के रखता है या मेंटेन करके रखता है। तो होता है रेस्ट स्क्रू, या क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द मार्किंग ऑफ सर्कुलर स्केल इन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसके अंदर जो सर्कुलर स्केल होती है, उस पर जो मार्किंग रहती है, कौन सा पार्ट होता है? तो ये होता है थिम्बल। कौन सा होता है? थिम्बल, जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल बनी हुई होती है, उस पर मार्किंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, वी ब्लॉक इज यूज्ड इन अ वर्कशॉप टू चेक। जो वी ब्लॉक का यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो यह सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यह करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसको चेक करने के लिए, उस पर कोई वर्क करने के लिए हम वी ब्लॉक का यूज करते हैं वर्कशॉप के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सरफेस गेज इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, उसमें हमें बताना है सरफेस गेज का क्या यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है लेआउट द वर्क एक्यूरेटली। वर्क जो हमारा वर्क है, वह एक्यूरेट है, उसके लेआउट के लिए यूज किया जाता है सरफेस गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आइडेंटिफाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इनकॉर्पोरेट ऑल द फीचर्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कौन कौन से फीचर होते हैं? ट्राइस्कोर भी होता है, बेवल प्रोट्रैक्टर भी होता है, रूलर भी होता है, एंड स्क्राइबर भी होता है। तो ऐसा जो सेट होता हुआ था, कॉम्बिनेशन सेट होता है, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर्स और माइक्रोमीटर। इन सब की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम कौन से गेज का यूज करते हैं? तो इसमें करते हैं स्लिप गेज का। किसका? स्लिप गेज का। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द टर्म ब्रिंगिंग इज एसोसिएट विथ। जो ब्रिंगिंग टर्म है, वह किससे संबंध रखता है? तो वह रखता है स्लिप गेज से। किससे? स्लिप गेज से, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच प्रोसेस इज यूज टू ज्वाइन टू स्लिप गेज इन द एक्ट ऑफ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें यदि टू स्लिप गेज को ज्वाइंट किया जाता है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? वह कहलाती है रिंगिंग। ब्रिंगिंग क्या होती है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म एट द सरफेस ऑफ स्लिप गेज। जो स्लिप गेज है, उसके जो हमारी सरफेस होती है, उस पर जो ऑयल की थिकनेस होती है, वह किस ऑर्डर में रहती है? वह होती 0.05 माइक्रोन में रहती है। किसमें? 0.05 माइक्रोन में। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार द स्लिप गेज अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी आर ग्रेडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो यह जो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है या किया जाता है थ्री कैटेगरी में, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच एस्पेक्ट इज यूज टू स्पेसिफाई अ साइन बार। साइन बार को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो ये करते हैं सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स। क्या करते हैं? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था स्टैंडर्ड लेंथ इन अ साइन बार इज मेजर्ड। जो स्टैंडर्ड लेंथ मेजर की जाती है किसमें? साइन बार में। वह कहां से की जाती है? यह भी की जाती है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रोलर्स, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड्स। जो कंपैरेटर यूज होता है किसकी वर्किंग पे डिपेंड रहता है? तो इसकी जो वर्किंग होती है कंपैरेटर की, वह क्या कहती है? कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड होता है उसके साथ तुलना करने के बाद हम कंपैरेटर से डायमेंशन को बता पाते हैं। इन एक दो तीन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्क द ऑड वन नोट। जो मार्क रहता है ऑड वन नोट वो कौन सा रहता है? स्टेट एज, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टेट एज आर यूज्ड टू चेक। स्टेट एज का किसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया था फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सजेस्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टेपर। एक्सटर्नल टेपर को मेजर करने के लिए, एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए करते हैं साइन बार और स्लिप गेज का। किसका? साइन बार और स्लिप गेज, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द थिकनेस ऑफ क्लियरेंस कैन बी चेक। क्लियरेंस की थिकनेस को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिलर गेज। क्या करते हैं? फिलर गेज, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट रेज। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, ऑफ लाइट रेज। तो ये लाइट रेज के लिए हम क्या करते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन सभी पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्टेटनेस ऑफ अ सरफेस एक्सेप्ट। मतलब इन चारों में से हमें बताना कि ऐसा कौन सा नाम है इनमें से कि जिसका यूज स्टेटनेस सरफेस की स्टेटनेस को चेक करने के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्टिकल गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम सरफेस की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए नहीं करते। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेदर अ वर्कपीस हैज बीन एक्यूरेटली सेंटर और नॉट इन अ इंडिपेंडेंट चक। एक चक में कोई वर्कपीस है उसको हम लगा रहे तो वह सेंटर में सही है या फिर नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं एंगल प्लेट का। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी वाला। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इधर उधर हो गए थे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डायल इंडिकेटर। इसको आप लोग भी सही कर लें। कौन सा आंसर सही है? डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा सजेस्ट द गेज टू बी यूज्ड फॉर चेकिंग द डायमीटर ऑफ होल। किसी हॉल वर्क पीस में अगर कोई हॉल है उसके डायमीटर को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्लग गेज का। किसका? प्लग गेज का। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ राउंड बार विथ क्लोज टॉलरेंस इज क्यूकली मेजर्ड। मतलब जल्दी से मेजर करने के लिए क्लोज टॉलरेंस के साथ हम राउंड बार को के डायमीटर को हम कैसे मेजर करेंगे? तो स्नैप गेज के द्वारा मेजर किया था। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर रिंग गेज इज यूज टू मेजर। रिंग गेज का उपयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया बोथ आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस, दोनों को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट कंसर्न। मतलब जो क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है वह किससे संबंध रखता है? तो वह एंगुलर मेजरमेंट से संबंध रखता है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ऑटो कॉलीमेटर इज यूज टू चेक। ये ऑटो कॉलीमेटर का यूज किया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द एम एंड ई सिस्टम इन मेट्रोलॉजी आर रिलेटेड टू मेजरमेंट। जो ये दोनों वर्ड हैं यह मेट्रोलॉजी के अंदर जो संबंध रखते हैं मेजरमेंट से वह रखते हैं किससे? सरफेस फिनिश से। किससे? सरफेस फिनिश से। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सरफेस रफनेस मेजरमेंट। सरफेस रफनेस मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इन
चारों इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो प्रोफिलोमीटर हम यूज करते हैं। कौन सा? प्रोफिलोमीटर। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था सरफेस रफनेस ऑन ए ड्रॉइंग इज रिप्रेजेंट, मतलब जो हमारी ड्रॉइंग शीट होती है उसमें हम सरफेस रफनेस को एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हुए सिंबल कैसा बना होता है, वह होता है ट्रायंगल्स। कौन सा कैसा बनता है? ट्रायंगल्स। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है टॉमिलिंसन रिकॉर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस। जो हमारा टॉमिलिंसन रिकॉर्डर है वह एक इंस्ट्रूमेंट है और जो सरफेस को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो कैसी ये होती है? परपेंडिकुलरिटी को। किसको? परपेंडिकुलरिटी। तो इसी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था CLA वैल्यू इज एसोसिएट, जो CLA वैल्यू है वह किससे संबंध रखती है? तो यह रखती है सरफेस रफनेस से, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गियर टूथ वर्नियर इज यूज टू मेजर ऑफ टूथ, तो जो हमारा टूथ का जो यूज किया था वह पिच लाइन थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया था। किसको? पिच लाइन थिकनेस को, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द डिवाइस टू बी यूज टू चेक द प्रोफाइल ऑफ अ गियर टूथ, गियर टूथ की प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, तो बी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ थ्रेड माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, जो हमारा थ्रेड है उसके डायमीटर को मेजर करने के लिए हम थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। उसके आंसर हमें इन चार में रूट मेजर माइनर और इफेक्टिव, इनमें से ऑप्शन को राइट करना, तो ये होता है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इफेक्टिव। मेजर करता कैसा? इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ ऑल द थ्रेड कैरेक्टरिस्टिक, तो थ्रेड के सभी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए होता है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। कौन सा? टूल मेकर माइक्रोस्कोप। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अब मास्टर गेज इज यूज टू मेजर चेक, तो मास्टर गेज का यूज किया जाता है क्या चेक करने के लिए? तो इसका यूज किया था द एक्यूरेसी ऑफ गेज यूज टू शॉप फ्लोर्स, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट रीडिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट वन, मतलब इन चारों ऑप्शन दिए उनमें से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट रीडिंग को नहीं बताता है या उस पर स्केल नहीं बनी रहती, तो यह होता है टेलीस्कोप गेज, जिस पर डायरेक्ट रीडिंग को नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग डिवाइस हैज मैक्सिमम एक्यूरेसी, इन चारों में से बताना है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हमें मेजर करके देता है, तो वह होता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंडक्टिंग अलाइनमेंट टेस्ट, अलाइनमेंट टेस्ट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? डायल गेज का, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ टेलर प्रिंसिपल इज एसोसिएट विद, जो टेलर प्रिंसिपल है किससे संबंध रखता है? वह रखता है गेजिंग मेजरमेंट से। किससे? गेजिंग मेजरमेंट से, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे 42 आज के क्वेश्चन थे। यदि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, समझ में कुछ आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।